हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियाज हेल्दी किचन। दोस्तों, गर्मी का सीजन चल रहा है और इसमें अगर हमने कच्चे आम का मज़ा नहीं लिया तो फिर क्या मज़ा किया। इसलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम से चटपटा खट्टा मीठा चटनी, जिसे हम बिहारी लैंग्वेज में गुड़म्बा भी कहते हैं। आप इसे लौंजी भी कह सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये चीनी में नहीं बल्कि गुड़ में बनता है और आप इसे स्टोर करके 10 से 15 दिन आराम से रख सकते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं चटपटा खट्टा मीठा गुड़ और आम से बना हुआ गुड़म्बा चटनी या फिर लौंजी। तो दोस्तों, गुड़म्बा यानी कि गुड़ और आम का खट्टा मीठा रेसिपी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो कच्चा आम। ये मैंने 1/2 kg कच्चा आम लिया है और ये 1 बाउल मैंने गुड़ लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कच्चे आम को छील लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस आम को छील लेंगे। तो दोस्तों, मैंने सारा आम छील लिया है। अब इसे इस तरह पीसेस में काट लेती हूँ। छोटा बड़ा पीसेस इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप जिस साइज में पीस काटना चाहते हैं आपसे काट लीजिए। और आम आप एक बार टेस्ट करके ज़रूर देख लीजिएगा कि आम ज़्यादा खट्टा है या मीठा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही इसमें गुड़ लगेगा। तो ये आम बहुत ज़्यादा, मैंने जो ख़रीदा है ये बहुत ज़्यादा खट्टा है, इसलिए 1 बाउल गुड़ का यूज़ मैं कर रही हूँ। अगर मीठा आम है तो इससे थोड़ा कम आप गुड़ लीजिए। तो जैसा भी आम का टेस्ट हो, खट्टा मीठा, उसके अकॉर्डिंग आप गुड़ लीजिएगा। ये आम तो बहुत बहुत खट्टा है, इसलिए मैं इसमें इतना गुड़ यूज़ कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैंने सारे कच्चे आमों को काट लिया है, आप देख सकते हैं। और ये जो गुठली बच गया है इसको फेंकना नहीं है, हर दिन इसे ऐसे डेली 1 बाय 1 दाल में डालकर इससे दाल में खटाई का यूज़ कर सकते हैं आप। तो चलिए फिर अब इस कच्चे आम को पकाते हैं। तो हमने कढ़ाई ले लिया है, गैस फ्लेम ऑन कर लेते हैं और इसमें अब मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल देंगे। एक चम्मच और ये 2 चम्मच, 2 चम्मच मैंने इसमें सरसों का तेल लिया है। अब तेल गर्म होने देते हैं, फिर इसमें 5 फोरन डालेंगे। पहले 5 फोरन में दोस्तों मैंने सौंफ, अजवाइन, जीरा और मेथी, और इसमें लिया है मैंने राई यानी कि काला सरसों। तो इस तरह मैंने 5 चीज़ों को मिला के बनाया है 5 फोरन। इसमें थोड़ा सा सौंफ की जो क्वांटिटी है वो थोड़ा आप ज़्यादा कर दीजिएगा, क्योंकि इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इस 5 फोरन में थोड़ा सा सौंफ की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा। तो ये तेल गर्म हो गया है, इसमें मैं ये लगभग आधा आधा चम्मच करके 2 बार डाला, तो मैंने 1 चम्मच इसमें 5 फोरन डाला है। दोस्तों, इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है वो आम और गुड़ है, कच्चा आम और गुड़ है। बाकी तेल, हल्दी, नमक थोड़ा थोड़ा तो लगता ही है हर चीज़ में। तो ये मैंने तेल गर्म होने पर 5 फोरन डाल दिया और अब इसमें मैं ये कच्चा आम डाल दूंगी। और अब फ्लेम को हम लो कर लेंगे।
अब इसमें मैं डालूंगी नमक आधा चम्मच नमक थोड़ा सा लगभग एक चम्मच से मैंने लगभग इतना पूरा भर के नहीं पर लगभग एक चम्मच इससे मैंने नमक डाला है। नमक इसमें डाला है ताकि पक जाएगी और इसमें खट्टा मीठा नमकीन हर चीज़ का फ्लेवर इसमें रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। और अब इसमें मैं लगभग एक चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर है थोड़ा सा इसमें तीखे का भी फ्लेवर है कर लेंगे अच्छे से। और अब मैं इसे ढक कर पकाऊंगी। अब इसे ढक देते हैं, ढक दिया है, ढक कर इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं, फिर 2-3 मिनट बाद आके इसे चेक कर लेंगे। तो 3 मिनट हो गया है, हम देख लेते हैं ऐसा ना हो कि जल जाए। ये देखिए ये लगभग पक चुका है, 2 से 3 मिनट में आराम से पक गया है। मैंने जो कच्चा आम लिया था वो हल्का पक गया था, ये कुछ दिन पहले ही मैंने खरीद के रखा था, थोड़ा ये पक गया था तो इसलिए जब भी वैसे जनरली ये 2 से 3 मिनट में आराम से पक भी जाता है नमक देने के कारण। तो अब मैं इसमें ये 1 कप पानी लिया है इसे डाल दूँगी और इसमें ये थोड़ा सा गुड़ बच गया है और इसे भी डाल देती हूँ, यानी कि एक बाउल मैंने गुड़ पूरा इसमें डाल दिया है। अब फ्लेम को थोड़ा सा तेज करेंगे, यानी कि लो फ्लेम से थोड़ा बिल्कुल ही थोड़ा सा तेज करेंगे और अब इसे पकने देते हैं। तो ये 3 मिनट हो गया है, अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में दोस्तों, खट मीठी एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है ऐसे मार्केट से मंगाया हुआ कोई खट मीठी रेसिपी हो, बहुत अच्छा लगता है। 5 मिनट मैंने इसे मीडियम से लो फ्लेम पर पकाया है, चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल हो गया है, 90% ये डन है, 5-10% इसे और पकने देते हैं ऐसे ही इसको मीडियम से लो फ्लेम पर 5-10 मिनट और इसे पकने देंगे। तो दोस्तों 5 मिनट हो गया है, ये बिल्कुल परफेक्टली पक गया है। इसमें इतना ग्रेवी रहने देना है जिससे कि जब ये ठंडा हो तो आम के अंदर अच्छे से ग्रेवी और सारे जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब मैं गैस फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे मैं ढक कर रख दूँगी ठंडा होने के लिए। 10 मिनट इसे ऐसे ही ढक कर रख देते हैं जिससे कि आम के अंदर अच्छे से ग्रेवी गुड़ वगैरह मिक्स हो जाए। तो 10 मिनट बाद इसे सर्व करके दिखाऊंगी मैं। तो दोस्तों 10 से 15 मिनट मैंने इसे ठंडा होने दिया, अब इसे ओहो कितना टेस्टी लग रहा है यार, ये देखिए बहुत 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 टेस्टी लगता है इसे। आप इसे घर पे ज़रूर बनाइए और समर को मस्त एंजॉय करिए। गर्मी के दिनों में इतना चटपटा टेस्टी डिश खाने का मज़ा ही कुछ और है। ये देखिए ओहो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है अभी, मैं सबसे पहले मैं इसका भोग लगाने वाली हूँ। ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ये देखने में, और अभी मैं टेस्ट करती हूँ सबसे पहले। दोस्तों आप मुझ पे यकीन करिए,
और इस गर्मी में आप ये खट्टे मीठे चटपटे कुड़म्बा बना के गर्मी को मस्त इंजॉय करिए।